अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपको बड़ी खबर से आगाह करते हैं कि पबजी गेम पर पाबंदी क्यों लगाई गई। अनाम शेख, एडिशनल आईजी पंजाब, आपको तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं। वो बताते हैं कि पबजी गेम को क्यों बंद करवाया गया, उसके नुकसानात क्या थे। जी सुनिए उनकी ज़ुबानी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसकी अफादियत से इनकार नहीं है। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इनके नुकसान भी हैं, और नुकसान स्पेशली जो हमारे ऑनलाइन गेम्स हैं आजकल, उनके नुकसान हमारी तरफ ज़्यादा पहुँच रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि ना सिर्फ बच्चे इसमें टाइम ज़ाया करते हैं बल्कि सुसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ चले गए हैं, और इस हद तक एडिक्शन हो गई है कि अगर उनको रोका जाए या उनको कहीं हार इसमें हो तो वो अपनी जान तक ले लेते हैं। इस सिलसिले में पंजाब पुलिस और स्पेशली लाहौर पुलिस, DIG ऑपरेशन लाहौर, उसने बहुत अच्छा स्टेप लिया, हमारे साथ टेकअप किया। हमने इस इशू को PTA के साथ टेकअप किया और अभी आर्जी तौर पे पाबंदी लग गई है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है, और हमने जो एफ़र्ट की है वो यही है कि इस तरह की तमाम गेम्स जो वायलेंस की तरफ लेके जाती हैं, उन गेम्स पे पाबंदी लगनी चाहिए। मेरी वालदैन से गुजारिश है, सिविल सोसाइटी से गुजारिश है कि वो पेरेंटल गाइडेंस करें, वो बच्चों को इस तरफ ना आने दें। हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है, पंजाब पुलिस अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है, हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।